गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक लिनक्स फाइल सिस्टम। आज के हम थर्ड जो हम पार्ट बना रहे हैं इसके अंतर्गत हम क्या डिस्क्राइब करेंगे, लिनक्स फाइल सिस्टम को हम क्या है डिस्क्राइब करेंगे। लिनक्स में कौन कौन सी फाइल्स हमारी होती हैं उसको हम क्या है डिस्क्राइब करेंगे। अ फाइल सिस्टम इज अ लॉजिकल मैथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग। अब इसमें फाइल सिस्टम इज अ लॉजिकल मैथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, यानी इसके अंतर्गत क्या है हम जो भी लॉजिकल सिस्टम मैथड क्या है हम ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ वे, और इसके अंतर्गत क्या है बहुत सी इंफॉर्मेशन को हम क्या है लार्ज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी बहुत सी हम इंफॉर्मेशन को हम क्या है स्टोर कर सकते हैं इन अ वे विच मेक्स इट ईजी टू मैनेज, और उसको क्या है हम बना सकते हैं और उसको क्या है आसान रूप से उसको क्या है मैनेज करके हम रख सकते हैं। फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड विच नेसेसरी ऑफ डिक्लेरेशन, डिक्लेयर्स मस्ट कंटेन फाइल्स एंड अनदर डिक्लेरेशन, और इसके अंतर्गत क्या है हम कोई भी डायरेक्शन क्या है हम उसको देना चाहते हैं और हम उसको दे करके कोई भी चीज़ हम क्या उसको फाइल सिस्टम के अंतर्गत हम उसको कोई भी हम डायरेक्टरीज बना सकते हैं। कोई चीज़ अगर हमको डिस्प्ले कराना है तो हम उसको क्या है डिस्प्ले भी करा सकते हैं, अगर हमको रिमूव करना है तो हम रिमूव कर सकते हैं। All the files in Linux operating system are stored under on directory is called root directory. अब हम all the files in Linux operating system, यानी जो भी क्या है जितनी भी files होती हैं operating system के अंतर्गत are stored under the directory, और किसके अंतर्गत स्टोर होते हैं directory के अंतर्गत वो क्या होती हैं स्टोर होती हैं, और उनको हम कहते क्या हैं उसको हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिफाइन किया कैटेगरीज ऑफ फाइल्स, कितनी कैटेगरी हमारी क्या है डिफाइन की गई हैं फाइल्स के अंतर्गत। पहला हमारा है ऑर्डिनरी फाइल्स, डायरेक्टरी फाइल्स, स्पेशल फाइल्स। ऑर्डिनरी फाइल और इसमें क्या है डायरेक्टरी फाइल और स्पेशल फाइल को क्या हम अलग से अच्छे से डिस्क्राइब करें। ऑर्डिनरी में क्या होता है जैसे इसमें हमारे आते हैं mkdir, यानी mkdir के अंतर्गत क्या होता है मेक अ डायरेक्ट्री। कोई भी हम डायरेक्ट्री को क्रिएट करने के लिए अगर हमको कमांड देनी है तो क्या है mkdir कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे क्या हमको अगर डिस्प्ले कराना होता है यानी स्पेशल फाइल के अंतर्गत, यानी हमको क्या है डेट टाइम रूट या ट्री कमांड के द्वारा अगर हमको किसी चीज़ का रूट डिफाइन करना है देखना है तो हम क्या है इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।